और क्या हाल है दोस्तों, सभी लोग मस्त होंगे ना। हाँ तो गाइस यार, मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया, अब मस्त खेलूंगा भाई सब बाहर जाके। ओए सिंचन चुप, चलो खेलते हैं। अरे एक सेकंड, ये सिंचन और चुप कहाँ गए यार? सिंचन चुप, अरे सिमेंट पे इधर आ जाओ। अबे कहीं से तो इसकी आवाज आई है। अबे ये क्या कर रहे हो ऊपर? अरे सिमेंट आओ तो एक बार, क्या कर रहे हो वहां पर तुम? जल्दी आओ सिमेंट भैया, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। हाँ बोल क्या है? हाँ सिमेंट भैया ये देखो। अबे ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे सिमेंट भैया देखो, आज टट्टी कराने का टाइम मेरा था ना, तो मैंने चौप से यहाँ टट्टी करवा लिया। अपा ने अपना घर भी गंदा नहीं किया, फिर आप मेरे को डांटते हो ना कि चौप को टट्टी कराने कहीं दूर क्यों नहीं लेके जाता। आओ सिमेंट सही है ना, अब मैं मन चाहे कितनी भी टट्टी कर सकता हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं, हमारा घर भी गंदा नहीं होगा। अबे वो चौप के बच्चे पागल है क्या? और सिंचन तू भी पागल है? अबे किसी और का घर है, यहाँ पर तुम लोग टट्टी नहीं कर सकते। और देखो वो लड़की ऊपर ही खड़ी है, वो मारेगी उसको, पता लगे उसके घर के आगे टट्टी की है। क्या हो गया सिमेंट पे, उसके बाप की जमीन है क्या? अबे पागल ऐसे नहीं कर सकते, तुम लोग तो पागल हो। सिंचन ये गलत बात है, मतलब अगर तेरे को टट्टी साफ नहीं करनी तो तू टट्टी और कहीं करवा देगा जाके। अरे सिमेंट यार ऐसे मत कर, इतना मस्त वाला प्लान निकाला मैंने। ये क्या, वो लड़की आ गई क्या? अबे डर क्या मैं? अबे स्पाइडर के बच्चे पागल है क्या? आइला क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? अबे तुम दोनों पहले अपने घर चलो, उस लड़की को पता लग गया तो पुलिस बुला लेगी, जल्दी चलो। हाँ अब सही है। हाँ सिमेंट भैया अब सही है। अबे ये क्या, अबे तुम लोग टट्टी वापस यहाँ पर क्यों लेके आ गए घर पर? अरे सिमेंट भैया तुमने तब बोला था किसी और के घर के आगे गंदा नहीं करना, अबे पागल मतलब कल से हो जाता यार, तुम घर पर ही लेके आ गया वापस पोटी। आओ मतलब अच्छा करो तो गलत, बुरा करो तो गलत, सिमेंट तू कैसा पागल आदमी है? अबे यार ये लोग सेमी पागल ही है यार, सोच रहे वहां से पोटी उठा के घर पर लेके आए हैं वापस। अरे सिमेंट भैया ज्ञान मत दो ठीक है ना। आइए सिमेंट। अरे हाँ मैं तो बोल गया। हाँ स्पाइडी क्या हो गया, क्यों आया यहाँ पर तू? आइला सिमेंट बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? आइला वो वेनम। क्या हो गया वेनम? आइला यार वो वेनम बहुत ज्यादा जाइंट हो गया है, वो पूरा लॉस सैंटोस की बिल्डिंग इतना बड़ा हो गया, और ऊपर से वो अपनी फौज भी लेके आ चुका है लॉस सैंटोस के अंदर। क्या बात कर रहा है, कैसे? आइला पता नहीं। अबे वो वेनम का बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है? आइला असल में उसको एक्सपी कॉइंस मिल गए होंगे। हैं ये एक्सपी कॉइंस क्या चीज है यार? आइला इससे तुम पावर अप हो सकते हो। सही में? आइला सच्ची बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा फिर? आइला एक पावर अप कॉइन मेरे पास भी है। दिखा दिखा कैसा होता है ये? आइला ये रहा सुमित। ओ भाई साहब ये कैसा कॉइन है? आइला सुमित ये एक्सपी कॉइन है या पावर अप कॉइन बोल लो, इसको जैसे ही तू कलेक्ट करेगा तो अपग्रेड होगा। अच्छा फिर तू मुझसे क्या चाहता है? आइला यार मेरे पास सिर्फ एक ही कॉइन है, और कॉइन से ढूंढने पड़ेंगे, और तुझे पता है ढूंढने में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तुझे ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, फिर तेरे को दुनिया बचानी पड़ेगी और क्या। अबे यार चल चल जल्दी से इस एक्सपी कॉइन को ले। ओके तो चलो गाइस यार इस एक्सपी कॉइन को लेते, लेट्स गो। वो ये क्या, मैं तो स्पाइडरमैन के अंदर अपग्रेड हो गया, पर ये तो बड़ा टट्टी सा स्पाइडरमैन है सेमी। आइला एक एक्सपी कॉइन भी ऐसे स्पाइडरमैन के अंदर अपग्रेड हो गया ना तुम? अबे पर मतलब कुछ तो अच्छा होता। आइला समय टाइम वेस्ट मत करो, इससे पहले कि वेनम पूरी दुनिया तबाह कर दे, जल्दी से और एक्सपी कॉइन ढूंढो। अरे सुमिरा जल्दी से आओ। आओ हाँ, अबे तुम लोग टट्टी मत करना बस ज्यादा। चलो गाइस यार मेरे को जाके जल्दी से वो एक्सपी कॉइन ढूंढने पड़ेंगे, और मुझे अपने आप को एक अल्टीमेट स्पाइडरमैन के अंदर अपग्रेड करना होगा अगर मुझे दुनिया बचानी है तो। लेट्स गो गाइस। ओके तो गाइस यार ये रहा स्पाइडरमैन जिसने मेरे को यहीं पर बुलाया था। हां स्पाइडी बता कहां है वो एक्सपी कॉइन? आइला सुमित वो एक्सपी कॉइन तो वहां पीछे रहा उस बर्गर वाली दुकान के ऊपर, ये देखो इस बर्गर वाली दुकान के पास है, ये रहा एक एक्सपी कॉइन। अरे ये तो बहुत ज्यादा इजी होगा। आइला यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आइला वो दुकान वाला देता ही नहीं है। क्यों? उसको लगता है उसकी दुकान उस एक्सपी कॉइन की वजह से चलती है, वो उसको गुड लक समझता है। अबे यार आइला मेरे को नहीं पता तू कैसे लेगा, ठीक है ले लियो मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे? अरे मैं तो चला बल्ले बल्ले। अबे भाई साहब यार इससे ये कॉइन लेना तो मेरे को लगता है हार्ड होने वाला है। ओ भाई साहब ये रहा देख रहा कितना बड़ा एक्सपी कॉइन है, इसको बस मेरे को टच करना है। अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देती कितनी लंबी लाइन लग रही है यहाँ पर? अगर तुम्हें बर्गर खाना है तो लाइन में जाके खड़े हो ना पागल कहीं के। अरे नहीं 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 मेरे को बर्गर नहीं खाना, मुझे तो वो कॉइन चाहिए। अरे अरे क्या बोला तू, मेरा कॉइन लेगा तू है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉइन के बारे में बोलने का? अरे भाई वो मेरे को कॉइन चाहिए तेरा। पागल है क्या, वो मेरी दुकान का गुड लक चार्म है, जब से मुझे वो कॉइन मिला है मेरी दुकान पे भीड़ नहीं कम होती, और तू मेरा कॉइन लेने आया है यहाँ पर? अबे ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तू बर्गर अच्छे बनाता है। अच्छा अच्छा लोग भी बहुत सारे बर्गर अच्छे बनाते हैं, पर मेरी दुकान के ऊपर ज्यादा भीड़ रहती क्योंकि मेरे पास ये मेरा गुड लक चार्म है, और ये क्या कॉइन वॉइन है, कोई कॉइन नहीं है, मेरा गुड लक चार्म है, भगो यहाँ से बर्गर नहीं खाना तो। हाँ मैडम जी कौन सा बर्गर चाहिए आपको? हाँ मेरे को तो वो
स्पेशल चाहिए आपका, वो कौन सा वाला था, किंग साइज बर्गर, जल्दी मेरे को वो दे दो। अबे भाई साहब यार, ऐसे तो मैं इस एक्सपी कॉइन को नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मेरे को कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। ओए मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं इस आदमी की कैसे ना कैसे करके भीड़ तोड़ देता हूँ, मतलब इसके कस्टमर में अपनी ओर ले आता हूँ, तो गाइस यार पक्का मैं बता रहा हूँ इसका विश्वास उठ जाएगा कि ये कोई गुड लक चार्म है और मैं इसे गुड लक चार्म ले सकता हूँ। उसके लिए मेरे को इससे अच्छा कुछ देना पड़ेगा लोगों को। एक काम करता हूँ, ओए यहाँ पर देखो ये एक दुकान रही, ये तो हॉट डॉग की दुकान है यार। चलो गाइस यार मैं एक मस्त वाला हॉट डॉग बनाता हूँ, उसके लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं एक अल्ट्रा जायंट हॉट डॉग बनाने वाला हूँ जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे और खास कर तो इसकी भीड़ जरूर टूटेगी। तो तुम लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना है एक्स्ट्रा लार्ज हॉट डॉग, जिससे मेरे पास एक एक्स्ट्रा लार्ज हॉट डॉग आ जाए। तो जल्दी यार क्या कर रहे हो आप लोग, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी लिखो एक्स्ट्रा लार्ज हॉट डॉग, जल्दी जल्दी लिखो यार, 1 2 3 एक्स्ट्रा लार्ज हॉट डॉग। ये देखो गाइस यार, तुम लोगों की सुपर पावर्स तो सही में बहुत ज्यादा कमाल की है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा लार्ज वाला हॉट डॉग आ चुका है, यही तो मेरे को चाहिए था। आओ भाई सब मजा आ गया। अरे यार चलो बर्गर खाता हूँ। अरे यार यहाँ पर तो हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई है, मेरा नंबर नहीं आएगा, कुछ और खा के देखता हूँ आज। अरे ये क्या, ये हॉट डॉग की दुकान के ऊपर इतना बड़ा हॉट डॉग कब से होने लगा? ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पर, और कितना बड़ा हॉट डॉग है। अरे तुम्हें अच्छा लगा ये हॉट डॉग? अरे हाँ भाई साहब, जिंदगी में इतना बड़ा हॉट डॉग नहीं देखा, ये तो बहुत कमाल का है। अरे कितना टाइम लगेगा बनाने में एक बर्गर, समझ ही नहीं आ रहा, अच्छा बनाते ये मतलब इतनी भीड़ रहेगी। अरे एक सेकंड वो का है, अरे भाई लोग देखो वहाँ पर, वो कितना बड़ा हॉट डॉग, वहाँ पर चलो। ओए बेटे देखो तो कितना बड़ा हॉट डॉग है, मैंने तो आज से पहले इतना बड़ा हॉट डॉग नहीं देखा। ओ मजा आ गया सही में। शुक्रिया भैया मजा आ गया, तो मेरे को भी चलना चाहिए बड़ा वाला हॉट डॉग देखने। ए मेरे भी रखो, मुझे भी दिखाओ बड़ा हॉट डॉग। अरे ये क्या, मेरी दुकान के सारे कस्टमर ही चले गए यहाँ से, अब मैं अपना बर्गर किसे बेचूंगा? अरे चल क्या रहा है वहाँ पर, मैं भी देखता हूँ आखिर किसने मेरी भीड़ तोड़ी। अरे ये क्या, ये तो बहुत बड़ा वाला हॉट डॉग है। अरे भाई सब इतना बड़ा हॉट डॉग, अरे मेरे तो सारे कस्टमर यहीं पर ही आ गए। अरे भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे भाई तुम तो वही हो ना? हाँ मैं वही हूँ। अरे भाई ये क्या, तुम इतना बड़ा हॉट डॉग लेके आयो और सारी भीड़ तुमने छीन ली मेरी है। मैं तेरे को ये दुकान दे सकता हूँ? हाँ भाई सच में तुम मेरे को ये दुकान दे सकते हो अपनी? हाँ मैं तेरे को ये दुकान दे सकता हूँ, एक तेरी ये दुकान हो जाएगी, एक साथ में तेरी वो दुकान हो जाएगी, फिर सोच तेरी भीड़ कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। अरे भाई मेरे को दे दो ये बड़ी दुकान। हाँ ठीक है बदले में मेरे को तेरा वो कॉइन चाहिए होगा, जो कि सेमी कुछ नहीं है। देख मैंने तो अच्छा खाना बनाया, तो यहाँ पर मेरे पास भीड़ लग गई, अब तू अच्छा बनाएगा तेरे पास फिर लगेगी, वो कुछ भी गुड लक नहीं है। हाँ ठीक है भाई तुम उस कॉइन को ले सकते हो। ओके तो शुक्रिया तेरा। चलो गाइस यार मैंने इसको पागल बना दिया, जल्दी जाके एक कॉइन लेता हूँ और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। चलो गाइस यार मैं इसके दुकान के ऊपर चढ़ गया, चलो अपग्रेड होते हैं, लेट्स अपग्रेड। वो गाइस यार ये देखो, मैं तो एक सोनिक स्पाइडरमैन के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ। भाई मैंने आज से पहले सोनिक स्पाइडरमैन कभी नहीं देखा यार, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है मेरे को। आई लाइक यू पावरफुल। ये कौन बोला? स्पाइडरमैन। अरे स्पाइडरमैन फाइनली मिल गई, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। आई लाइक ये वाला इतना पावरफुल नहीं है कि तुम वेनम को रहते हो, तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बनना पड़ेगा। पर मेरे को और कॉइंस कहाँ पर मिलेंगे? आइला मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, एक्सपी कॉइन ढूंढने के लिए। मैं बताता हूँ तुम्हें, एक गुफा के अंदर एक चूहा रहता है, उसके पास एक बहुत बड़ा वाला एक्सपी कॉइन है, पर वो चूहा बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उस चूहे को मार नहीं सकते, पर तुम्हें कैसे न कैसे करके उससे उसका एक्सपी कॉइन लेना पड़ेगा। अबे यार ये कैसे होगा? आइला मुझे पता होता तो मैं नहीं कर लेता क्या? चलो मैं चला बल्ले बल्ले। ओके तो गाइस यार यहाँ पर स्पाइडरमैन फिर से भाग गया, पर यार मैं कैसे लूंगा इस चूहे से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा एक्सपी कॉइन। यार ये चूहा तो मेरे को लगता है काफी ज्यादा पावरफुल है। हे मुझे किसी की बदबू आ रही है, कौन है यहाँ पर मेरे घर में, कौन है मेरे घर के पास, कौन है कौन है? अबे ये तो मेरे को सूंघ पा रहा है यार, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी भागो। गाइस यार इसकी नाक तो सही में बहुत ज्यादा तेज है यार, ये तो मेरे को सूंघ रहा था, वो तो सही है मैं भाग लिया वरना मेरी क्या बैंड बजाता ये। लगता है वो चला गया यहाँ से, अच्छा है चला गया तो वरना मैं उसे मार डालता है। तो गाइस यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार आखिर इसको कैसे भगाऊं, और एक तो मैं घर के पास भी नहीं जा सकता, इसके सूंघने की ताकत कितनी ज्यादा है यार, मतलब सही में ऐसी नाक मेरे पास हो तो मैं कुछ भी खाने का सूंघ लूं। ओए एक सेकंड मैंने अभी बोला, ओ ये तो काफी परफेक्ट आइडिया है यार, मैं इसको कुछ ऐसा देता हूँ खाने के लिए चूहे को, जो चूहे को बहुत ज्यादा पसंद हो। हाँ चूहे को चीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है, जैसा तुम लोगों ने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, अगर मेरे पास चीज ज्यादा है तो गाइस यार मैं इस चूहे को यहाँ दूर ला सकता हूँ, और जैसे ये दूर जाएगा मैं जाके पीछे से यार वो कॉइन चुरा लूंगा। हाँ ये एकदम सही रहेगा, पर उसके लिए मेरे को पहले चीज चाहिए यार, चलो चीज लेने चलते हैं। ओके तो गाइस यार यहाँ पर अभी तुम्हारा भाई आ चुका है फार्म के अंदर, क्योंकि यार दूध कहाँ निकलता है फार्म के अंदर, और चीज भी मेरे को यहीं पर मिलेगा। चलो इस आदमी से पूछता हूँ। हे मोटे अंकल। अरे मोटा मत बोल यार, मेरी बहू भी मोटा बोल रहा है मैंने।
अरे अंकल अंकल सॉरी, पतले अंकल। हाँ अब बढ़िया है ना। अरे अंकल यार मेरे को चीज की जरूरत है, आपके पास चीज मिलेगा? अरे फार्म में तो चीज मिलेगा है हमारे पास चीज, आपके पास जो सबसे बड़ा चीज हो ना आप वो मेरे को दे दो। अरे मैं तो के तेरा चाचा लागू तो तने फ्री में दे दूंगा, फ्री में ना दू पैसे लागेंगे। पैसे तो नहीं अंकल मेरे पास। अरे तो के यहाँ पर भंडारा लाग रहा है, तने फ्री में दे दू। पर अंकल यार मैं आपके लिए कुछ कर सकूं जो आप मेरे को चीज दे दो? अरे हाँ एक काम कर दे, अगर तू मने पतला कर दे तो बड़ा मजा आएगा। ओ गाइस यार ये आप लोग कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकते इसको पतला, पर आप लोग इसे पतला बना सकते हो। आप लोगों से सिंपल कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है थिन, जिससे ये पतला हो जाए। आप लोग यार मेरी मदद कर पाओगे वरना मेरे को चीज नहीं मिलेगा। जल्दी से यार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो थिन जिससे पतला हो जाए, THIN। जल्दी जल्दी यार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो थिन जिससे ये पतला हो जाए। ओके अंकल आप पतला होने वाले हो, जल्दी लिखो यार गाइस थिन। देखिए अंकल आप पतले हो गए। अरे छोरा मैं तो सचमुच में पतला हो गया, मेरे कपड़े कहाँ गए? अरे अंकल कुछ तो जाएगा ही ना आपको पतला करने में, आपके कपड़े उड़ गए। अरे शुक्रिया लड़के तेरा, बहुत ज्यादा तूने मेरे को पतला कर दिया, मेरी वाइफ मेरे को मोटा नहीं बोलेगी। हाँ तो अंकल आप मेरी भी हेल्प कीजिए। हाँ तो लड़के इधर ही खड़ा रहा है, एक सेकंड में लेके आया मैं अंदर से, ये गया। ये ले लड़के जैसा मैंने बोला था ये रहा तेरा चीज। वो गाइस ये देखो कितना बड़ा चीज है यार, ये तो सही बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको तो मैं कितनी ज्यादा दूर दर दूं यार, चूहा सूंघते सूंघते जरूर आएगा। शुक्रिया अंकल। अरे शुक्रिया मुझे करना चाहिए। ओके तो चलो गाइस इस चीज को लेके जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार तुम्हारे भाई ने इस चीज को यहाँ पर लाके रख दिया है, अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। देखो वोरी गुफा, ये रहा चीज यहाँ पर, अब मेरे को उस साइड जाना है। जैसी चूहा भाई अपनी गुफा से बाहर निकलेगा मैं पीछे से जाके मेरे को जो चीज चाहिए वो एक्सपी कॉइन में, वो एक्सपी कॉइन ले लूंगा। देखो गाइस यार वोरी गुफा और वोरा वो चूहा यहाँ पर इन झाड़ियों में छुप जाता हूँ और इसका वेट करता हूँ जाने का। ये तो बड़ी अच्छी खुशबू है, लगता है कहीं पर चीज है। उस तरफ से आ रही खुशबू, मुझे चीज चाहिए, मुझे प्यारा चीज चाहिए। चीज चीज। ओके तो गाइस यार चूहा नीचे जा चुका है, ये मेरे पास मौका है, जल्दी जाता हूँ इससे पहले वो वापस आए। ये रहा कॉइन, अबे ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, स्पाइडरमैन ने सही कहा था ये वाला कॉइन तो बहुत ज्यादा बड़ा है। चलो गाइस यार अपग्रेड होते हैं इसको टच करके, लेट्स अपग्रेड। ओहो गाइस ये देखो मैं एक स्पाइडर हल्क के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना पावरफुल, क्योंकि हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है और स्पाइडरमैन तो और भी पावरफुल है यार, मतलब मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ ये मेरे को नहीं पता है बिल्कुल भी भाई, कोई आइडिया नहीं है क्योंकि स्पाइडरमैन पावरफुल ऊपर से हल्क और भी ज्यादा पावरफुल। अबे ये शोर शराबा कहाँ से आवाज आ रही है भाई, यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ओए ये तो वही एक्सपी कॉइंस है यार। व्हाट तुम लोगों में किसी में है दम मेरे शेर चीता को हराने का? मेरा खतरनाक हल्क सबसे ताकतवर, और जो कोई भी मेरे चीता को हराएगा मैं उसको ये 3 कॉइन दूंगा एक्सपी कॉइन। हल्क को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हल्क से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं, हल्क सबकी पुंगी बजा देता है, हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, हल्क किसी से नहीं डरता। ओ गाइस यार मेरे इन कॉइंस की तो जरूरत है यार, मैं चैलेंज करूंगा हल्क को। पर यार हल्क बहुत ज्यादा ताकतवर, पर मैं भी तो एक हल्की हूं फिलहाल, पर स्पाइडर हल्क शायद मैं उससे ज्यादा पावरफुल। हे हल्क मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हारी ढाक टिकी कर दूंगा। तुम हल्क को चैलेंज करोगे? मेरे को तो हंसी आ रही है, हल्क से ज्यादा पावरफुल हो तुम, मतलब कुछ भी, हल्क को कोई नहीं हरा सकता। और तुम्हें क्या लग रहा है तुमने हल्क की जैसी कॉस्ट्यूम पहन ली तो तुम भी हल्क हो गए? तुम पिटोगे मुझसे। ओके तो गाइस यार वो टाइम बताएगा कौन किससे पिटेगा, तो चलो गाइस यार हम भी रिंग में चलते हैं और यहाँ पर भाई साहब होने वाली खतरनाक वाली फाइट। हाँ तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हल्क की ताकत। गाइस ये तो मिस कर गया। ओए अल्ले अरे आप बहुत बुरा मार रहे हैं तो। अरे क्या हुआ, मारना होना खड़ा, अब क्या हो गया, सो गया का तू? अरे हल्क से पंगा लेने आया था ना, कर दिया ना नंगा, इसके ढोंगों पे मारूंगा मैं पटापट। ओए अल्ले हल्क से पंगा लेगा। अरे भाई हल्क तो सेमी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ है ना हल्क पावरफुल। ये ले। अरे ये क्या ताकतवर तो तू भी है, वापस खड़ा हो गया। हाँ अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि असल में स्पाइडर हल्क की पावर क्या है। ओके तो गाइस यार तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा सुपर पंच, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक ऐसा सुपर पंच मारने वाला हूँ कि एक बार में ढेर हो जाएगा। ओके ठीक है तैयार तो हल्क? हाँ दिखाओ तेरे में कितनी पावर है। हाँ तो हल्क रेडी हो जा अब मेरे पंचेस के लिए। ओ एक सेकंड इसको मारना कैसे? ये ले वाओ। अरे तू तो बहुत ताकतवर है। अरे जैसा मैंने बोला, ओ तेरी हल्क को मैंने कहाँ फेंक दिया, मैंने तो हल्क को रिंग से बाहर ही फेंक दिया। तो गाइस यार मैंने हल्क को यहाँ पर हरा तो दिया, पर हल्क का मुझे भी घमंड उतारना है, इसलिए मैं बाहर निकल के मारूंगा हल्क तेरे को, रुक जा आ रहा हूं मैं। वो भाई ये देख रहे हो, ओए हल्क तुझे छड़ेगा नहीं। अच्छा ये ले, वो धरती में गाड़ दिया हल्क को तो मैंने। अरे ये क्या चीज, मैं हल्क को मारने किधर जा रहा हूं मैं भी? अरे यार ये पावर यूज करनी नहीं आ रही मुझे हल्क की। ये ले ओ भाई
अबे वापस आके घूम फिर के मैं मजा आ रहा भाई जैमी। ये क्या है भाई, पता नहीं क्या पावर से मैंने आज से पहले हल्क के पास ऐसी खतरनाक पावर नहीं देखी। मेरे को लगता है स्पाइडरमैन प्लस हल्क की पावर का मिक्सअप है जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, पर कुछ भी है भाई है खतरनाक। ओ शिट, मैं बाकी लोगों क्यों मार रहा हूँ, मुझे हल्क को मारना। ओए कहाँ गया हल्क, ओ मुझे हल्क दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तो इसका भाई हवाई जहाज बना दिया। कितना गंदा मारा भाई हल्क को, वापस खड़ा होगा क्या हल्क तू? अब हल्क अब यहाँ नहीं मान रहा है। ठीक है तो हल्क, अब मैं तेरे को बहुत बुरा मारने वाला हूँ, मैं तेरे को इतना बुरा मारने वाला हूँ कि तूने आज से पहले किसी से इतनी खतरनाक पिटाई नहीं खाई होगी। ओ भाई हल्क तो मैंने पानी के अंदर घुस दिया, हल्क हार मानता है। ओके तो गाइस यार फाइनली चुल्लू भर पानी में हल्क को डुबाने के बाद हम लोग फाइनली जीत चुके हैं। चलो अपने भाई इनाम लेते हैं जो कि मेरे एक्सपी कॉइन से पावर अप कॉइन। चलो अपने पावर अप कॉइन लेते हैं, ये उतरता हूँ यहाँ पर। वो चलो गाइस यार ये क्या कॉइन से नीचे गिर गए, कोई बात नहीं सभी लोग ही बेहोश हो गए मेरे हिसाब से। कुछ ज्यादा ही पावर ओपी हो गया मैं। चलो इनको टच करते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ओके 1 2 3 पावर अप। ओ ये देखो भाई ये कौन सा स्पाइडरमैन के अंदर अपग्रेड हो चुका हूं, मैंने आज से पहले ये स्पाइडरमैन कभी भी नहीं देखा यार। इसके पास देखो मशीन गन है भाई, यार मेरे को ये ट्रांसफॉर्मर स्पाइडरमैन लगता है। तो गाइस यार मैं तो क्या कूल स्पाइडरमैन के अंदर अपग्रेड हो चुका हूं, तो यार इसलिए मेरे को स्पाइडरमैन ने यहां पर भेजा था। पता नहीं यहां पर क्या चल रहा है, कुछ तो खतरनाक चल रहा है यहां पर। वो एक सेकंड ये हल्क यहां पर क्या कर रहा है, उई गाइस यार ये तो वेनम की सेना में था, मैंने देखा था इसे, ये यहां पर क्या कर रहा है। तुम लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। मेरा नाम है जॉन क्रीक और मैं आज का ये रैम चैलेंज करवा रहा हूँ। तुम तीनों के बीच में ये रैम चैलेंज होगा। सबसे पहले तुम्हें यहाँ से एक बाइक लेनी है, उसके बाद यहाँ से सामने से जंप लगाना है। जंप लगाने के बाद तुम इस तरफ आओगे, उसके बाद यहाँ से तुम्हें सामने जाना है। इन सभी की सभी चीजों को हटा के सामने से फेरते हुए तुम लास्ट में यहाँ पर जंप लगा के पहुंचोगे आखिर में। और यहाँ पर लास्ट में तुम लोगों को मिलने वाले 3 जायंट एक्सपी कॉइंस जो मैंने खुद बनाए। हल्क को किसी भी हालत में जीतना है क्योंकि हल्क पिछली बार किसी से पिट गया था, हल्क को उसने बहुत गंदा मारा, इसलिए हल्क यहाँ पर इस रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करेगा और हल्क यहाँ पर जीतेगा। हल्क ने ये लगाई जंप। ओ भाई साहब यहाँ पर हल्क ने देख रहे कितनी मस्त जंप लगाई है। अब हल्क जाएगा आगे इन सीढ़ियों के ऊपर। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हल्क काफी ज्यादा सही कर रहा है, हल्क को कोई भी नहीं रोक सकता, हल्क जीतेगा। जाओ हल्क जाओ, जीतो जीतो। हल्क की फैन फॉलोइंग देखो। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हल्क काफी अच्छा कर रहा है, सेमी काफी स्पीड से आगे जाया जा रहा है। हल्क यहाँ पर जीतने आया है और हल्क यहाँ पर जीतेगा। ओ ये क्या था, हल्क को बचाओ, हल्क को बचाओ, हल्क को बचाओ, हल्क गया गया हल्क। ओए मेरे सरताज ने मुझे यहाँ पर भेजा है, एक बार मुझे वो अल्टीमेट एक्सपी कॉइन मिल जाए उसके बाद मैं सरताज का राइट हैंड बन जाऊंगा। ये क्या, ओए भाई साहब यार ये तो बिल्कुल ट्रैक से बाहर ही चला गया था। ओए जीतूंगा तो मैं ही। ओके तो गाइस यार ये काफी सही कर रहा है, अगर ये सही में जीत गया तो। ओए बस जीतूंगा तो मैं ही सरताज, आप मेरे ऊपर बहुत गर्व करेंगे। ओ भाई ये तो काफी स्पीड में जा रहा है और ये यहाँ पर क्या लगाई इसने जंप। ओए कोई बात नहीं, इसको अभी कंट्रोल में ले आऊंगा मैं। अबे ये कैसे किया इसने भाई, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया, इसने कोई जादू की ताकत यूज की। ये ट्रैक से बाहर हो चुका था पर ये तब भी जीत गया। ओए जीता तो नहीं हूँ पर जीतने वाला हूँ, बस तू देखता जा। ओए ये देख रहा क्या खतरनाक जंप लगा इसने। ओए बस तू देखता जा, जीतूंगा तो मैं ही। ये देख ये ये क्या, ये बम कैसे आया रास्ते में। चलो गाइस यार अब तुम्हारे भाई की बारी है और यहाँ पर तुम्हारे भाई को भी किसी हालत में जीतना पड़ेगा। अबे ये बाइक चलेगी ना मेरे वेट से। ओके तो गाइस यार यहाँ पर बड़ा अजीब लग रहा है इस बाइक को चलाने क्योंकि मेरा साइज देख रहे हो आप लोग कितना ज्यादा है। ओए ये क्या भाई साहब, ये तो बड़ा अजीब था, मतलब इसके ऊपर से जंप लगाना जरूरी नहीं था। कोई बात नहीं तो यहाँ पर हम लोग चलो, और मेरे को सामने की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मेरा साइज इतना ज्यादा बड़ा है। ओए ये प्लेन कहाँ से आ गया, शिट हट यहाँ से हेलीकॉप्टर वाले। यार ये हेलीकॉप्टर बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया, स्टूपिड कहीं का, अजीब है यार। चलो अपनी बाइक लेते हैं यार, कितना अजीब आदमी था सही में। आजकल के लोग भी पता नहीं इतने ज्यादा अजीब हो चुके हैं, जहाँ उनका मन आता है वहीं पर अपनी चीजें लेके पहुंच जाते हैं। यार इसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई होते होते बचा हूं। ओके तो गाइस यार ये चले हम लोग फुल स्पीड में। वो भाई साहब यार यहाँ पर ये लगाई हमने खतरनाक वाली जंप और हम लोग पहुंच गए। वेरी गुड गाइस यार देख रहे हो हम लोग कितना कमाल कर रहे हैं। वो बचा भाई साहब, अरे ये क्या शिट है, मेरी बाइक कहाँ पर फंस गई। अबे यार मेरा साइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि मेरी बाइक पता नहीं कहाँ कहाँ पर फंसने लग रही है। चलो इस साइड से निकाल लेता हूँ। ओके भाई साहब सामने मेरे को बहुत सारे बड़े बड़े वो दिख रहे हैं जिससे वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, क्या ये ऑयल टैंक्स। वो बचाओ भाई, थोड़ा सा रह गया वरना भी टकरा जाता। ये लगाई हमने जंप, वो उड़े हम लोग हवा के अंदर पहुंच जाएंगे क्या। और ये वो क्या क्रैश लैंडिंग हुई है गंदी वाली, शायद मैं पहुंच गया भाई। अबे ये क्या,
मैंने तो देख रहा हूँ यहाँ पर ये चीज ही तोड़ दी है। जो भी लिख रहा था यहाँ पर पता नहीं क्या लिख रहा था, इसका मतलब मैं जीत चुका हूँ। और ये कॉइन्स मेरे हुए, ये एक्सपी कॉइन्स मेरे हुए। चलो गाइस यार अपग्रेड होते हैं, लेट्स अपग्रेड। ओके तो गाइस फिलहाल देखो हम लोग कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं। मैं तेरे को छेड़ूंगा नहीं, ओए टस लूंगा। ओके तो गाइस यार कहीं से वेनम की आवाज आ रही है। ओए ये रहा वेनम का बच्चा, और वेनम तू तो गया। ओ ये ले, वो भाई सब देख रहे हो आप लोग, मैं वेनम के कितने ज्यादा बराबर हूं सेमी। वेनम तेरी बैंड बजा दूंगा, ये ले। वो भाई वेनम भी बहुत ज्यादा पावरफुल सेमी। ओए रुक जा। अबे एक सेकंड, क्या मैंने वेनम को मार डाला वो भी इतनी ज्यादा जल्दी। रुको गाइस यार इसने अभी देखो कितना ज्यादा हमला मचा रखा है पूरे लॉस सैंटोस के अंदर। इन सभी चीजों को मेरे को बंद करना पड़ेगा, और साथ में इसके सैनिक भी तो है यहाँ पर। ये रे इनको भी मारना मुझे, ये गया, चल निकल यहाँ से। चलो भाई साहब इसके सैनिकों को भी मारना भी मेरे को, ये ले। वो भाई क्या पंच मारा है मैंने इसको, खतरनाक वाला। भाई वेनम तो गया, अब ये वापस खड़ा नहीं होने वाला है। इस तरफ भी तो इसके सैनिक जितने मेरे को याद है। हाँ इस तरफ भी, रुको ये रहा एक, ये ले तू भी गया बेटे। और कोई तो नहीं बच रहा है ना, वो ये खड़े यहाँ पर तीन चार, देखो दिखाई भी नहीं दे रहे इतने ज्यादा छोटे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा तो बड़ा हूँ। और तू भी ले, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है। वो भाई साहब अब इसको कैसे बंद करना मेरे को पता ही नहीं। गाइस ये देखो फाइनली हम लोगों ने ऊपर चढ़ के वो ब्लास्ट को भी रोक दिया। अब यहाँ पर कोई जिंदा बचा है उसका कोई भी एक भी सिपाही? ये शायद वही है, एक सेकंड देखने दो मेरे को। हाँ ये वही है, ये ले। अबे इसका कुछ बिगड़ा क्यों नहीं इतना तेज पंच मारने के बाद भी? तेरी ऐसे ऐसी तू तो गया। इसके ऊपर मैं अपनी खतरनाक वाली स्पाइडर वेब यूज करूंगा। ये देखो भाई सब, ओ खतरनाक तरीके से फाइनली इसको हमने मार डाला। क्या यहाँ पर अभी वेनम जिंदा खड़ा है? मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा फिर ये? अभी मैंने यहीं पर देखा थे इसे, यहीं कहीं पर भी वेनम, पर मुझे बस दिखाई नहीं दे रहा है वो। ओए भाई ये क्या लफड़ा है भाई, पता ही नहीं वेनम अभी भी जिंदा है मर चुका है शायद। अब मैंने वेनम को मार डाला या फिर वेनम जिंदा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या चल रहा है। अब भी इसके सिपाही कैसे जिंदा है भाई, चल क्या रहा है यहाँ पर ये सब? आई थिंक अब मैंने सबको मार डाला क्योंकि मैं कुछ भी सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब हम लोग जीत चुके हैं गाइस यार। ओए एक सेकंड, मेरे साथ ये क्या हो रहा है यार? ये क्या भाई, मैं तो वापस से सुमित बन गया नॉर्मल सा। अबे यार लगता है मेरी पावर सारी चली गई, स्पाइडरमैन के बच्चे छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो गाइस यार फाइनली हमने लॉस सैंटोस को बचा लिया वेनम के खतरनाक इरादों से। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी मेक श्योर टू लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूल बैठे तो मेक श्योर को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो में नए स्टोरी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। We're just getting started, I know that you want it, baby just get on it, ready to go. We know how to party, pull out the